जय हिंद दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, मैं और नई ऑडियो बुक लाता रहूंगा। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी, दीक्षा, खंड 5। वत्स, वशिष्ठ ने तुम्हारे पिता की इच्छा के विरुद्ध तुम्हें मेरे साथ भेजा है, यह उनकी बुद्धिमत्ता है। विश्वामित्र का स्वर बहुत कोमल और शब्द स्नेह सिंचित थे, क्योंकि वे अनेक ऐसी बातें समझते हैं जो तुम्हारे पिता सम्राट दशरथ नहीं समझते। राम के सरल ईमानदार चेहरे पर अशांति की कुछ रेखाएं उभरी। पिता की निंदा नहीं सुन सकते वत्स, विश्वामित्र हंस पड़े। गुरुदेव, अन्यथा न माने, राम के शब्द सधे हुए थे, किंतु यदि मैं अपने बूढ़े और निरीह पिता की आंखों में पीड़ा के आंसू और आपके प्रति एक अव्यक्त भय की छाप भुलाना पाऊं तो क्या आप मुझे दोषी मानेंगे? विश्वामित्र हंस पड़े। तुम ठीक कहते हो राम, मुझे न केवल यह ध्यान रखना होगा कि अपने पिता के व्यवहार और व्यक्तित्व के अनेक दोषों को जानते हुए भी तुम्हारे मन में उनके प्रति स्नेह और सम्मान की भावना है, वरन यह भी याद रखना होगा कि तुम स्वतंत्र चिंतन करने वाले निर्भीक तेजस्वी वीर भी हो। निश्चित रूप से मैंने तुम्हारे पिता का मन दुखाया है, किंतु राम, जीवन में अनेक बार धर्म की रक्षा के लिए कटु होकर अन्य जनों का मन दुखाना पड़ता है। वे बड़े ही मीठे स्वर में बोले, राम, मैंने अपनी बाजी तुम पर लगाई है पुत्र, इसलिए तुमसे कुछ स्पष्ट बातें करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी अपेक्षाओं पर खरे उतरे तो तुम्हें अपने साथ सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, और यदि ऐसा न हुआ तो तुम्हें और लक्ष्मण को यहीं से लौटा दूंगा। राम चकित रह गए। चलने से पूर्व उन्हें सब कुछ बताया गया था, पिता और गुरु का विवाद, पिता का संकोच, गुरु की कटुता, कितना आग्रह और कितने आश्वासन। गुरु विश्वामित्र सिद्धाश्रम से चलकर केवल उन्हें लेने के लिए अयोध्या आए थे, इतना प्रयास, इतना उद्यम, और अब वे कह रहे हैं कि उन्हें वे यहीं से लौटा देंगे, कैसा कौतुक है। और लक्ष्मण की आंखों में जैसे एक आशंका समा गई, उन्हें हाथ में आई एक आकर्षक वस्तु छिनती सी नजर आई। विश्वामित्र उन्हें वापस अयोध्या भेज देंगे, अयोध्या उन्होंने 50 बार देखी है, ये वन उपवन, नदी पर्वत, लक्ष्मण, यह सब कब देखेंगे? अब तो सब कुछ भैया राम पर निर्भर था। एक, मैं समझा नहीं गुरुवर, राम बोले। विस्तार से समझाता हूं पुत्र, विश्वामित्र प्रवचन की मुद्रा में बैठ गए। मेरा और वशिष्ठ का मतांतर बहुत प्रसिद्ध है राम, विश्वामित्र बोले। मुझे उनकी ईमानदारी पर पूरा विश्वास है, फिर भी अनेक विषयों में मैं उनसे सहमत नहीं हो पाता। वे बातें बाद की हैं, किंतु वशिष्ठ ने तुम्हें मेरे साथ भेज दिया क्योंकि वह जानते हैं कि यदि तुम मेरे साथ ना आए होते तो भी मैं अपना काम करवा लेता। पुत्र, हम जिसे आर्षी कहते हैं वह अनासक्त बुद्धिजीवी है, तुम ना आते तो मैं किसी अन्य राजकुमार से वह कार्य करवाता, ऐसी स्थिति में सम्राट दशरथ का अहित भी हो सकता था, इसे वशिष्ठ समझते हैं। आप समर्थ हैं गुरुदेव, राम ने सिर को तनिक झुकाते हुए कहा। पुत्र, अब मैं तुमसे अपनी बात कहता हूं, विश्वामित्र कुछ हल्के होकर बोले। जब कभी बुद्धि विलासी हो जाती है, सत्ता कोमल और भीरू हो जाती है, तो अन्याय को बल मिलता है। वत्स, आज संसार में ऐसा ही समय आ गया है, देवशक्ति अपने विलास में नष्ट हो गई है, आर्य राजाओं में मतभेद है, आर्षि मुनि अपना पेट पालने में व्यस्त हैं, अतः एक अन्यायी और अत्याचारी शक्ति संसार पर छाती जा रही है। कौन है वह? राम जैसे संघर्ष के लिए पूर्णतः उद्यत थे, मुझे बताएं ताड़का, मारीच, सुबाहु। विश्वामित्र हंस पड़े। तुम्हारा उत्साह मुझे आश्वस्त करता है पुत्र, तुमने अभी भयभीत होना नहीं सीखा, इन्हीं लोगों के नाम सुनकर तुम्हारे पिता भय से पीले पड़ गए थे, पर जिनके नाम तुमने लिए हैं वे तो शाखाएं मात्र हैं, जड़ है रावण, पर वह तो लंका में बैग है। राम सहज भाव से बोले, यही कठिनाई है पुत्र, आर्य सम्राटों के लिए रावण लंका में बैठा है और लंका आर्यों को किसी अन्य ब्रह्मांड में स्थित प्रतीत होती है, किंतु रावण के लिए लंका में बैठे हुए भी न विदेह दूर है, न अयोध्या और न सिद्धाश्रम, उसके अग्रदूत राक्षसी मनोवृत्ति और चिंतन लेकर बहुत दूर दूर तक आर्य संस्कृति को घुन के समान चाटकर भीतर से खोखला करते जा रहे हैं। राम विचलित नहीं हुए, वे उसी प्रकार सहज बने रहे। आप रावण के सैनिक अभियान को अत्याचार क्यों कहते हैं? आर्षि श्रेष्ठ, आर्य राजा भी सैनिक अभियान करते हैं, अश्वमेध यज्ञ क्या सैनिक अभियान नहीं है? क्या वह अनावश्यक हिंसा नहीं? तुम ठीक कहते हो राम,
विश्वामित्र का मुख प्रफुल्लित हो उठा। तुम मेरी अपेक्षाओं पर पूरे उतर रहे हो बेटा, तुम उदंड नहीं हो, उच्छृंखल नहीं हो, किंतु बड़ों की बात बिना अपनी कसौटी पर तौले स्वीकार भी नहीं करते। यह इस बात का लक्षण है कि तुम आगे बढ़ोगे अपने पिता से, अपने गुरु से। वे क्षण भर के लिए रुके, फिर बोले, बेटा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सैनिक अभियान के मूल में कौन सा दर्शन कार्य कर रहा है। आर्य राजा भी सैनिक अभियान करते हैं, वस्तुतः अश्वमेध यज्ञ न्याय का यज्ञ है। राजा सुशासन का प्रण करता है, पर रावण के सैनिक अभियानों के पीछे सुशासन का लक्ष्य नहीं है। वह तो अपने लिए सुख, विलास, संपन्नता का अधिकार चाहता है। उसके लिए न्याय अन्याय का द्वंद्व नहीं है। उसका शासन एक व्यक्ति सर्वशक्ति संपन्न अधिनायक का शासन है। वह न अपनी मंत्रिपरिषद का परामर्श मानता है, न विद्वानों का। निर्धन प्रजा की कोई सुनवाई नहीं है उसके राज्य में। किसी भी देश का कोई आर्य विरोधी, मानव विरोधी रावण का समर्थन अत्यंत सुगमता से पा सकता है। रावण ने कभी दलित पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए, उसके उत्थान के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। और पुत्र, विश्वामित्र ने राम की ओर देखा, आर्य राजा प्रत्येक मानव को समान मानते हैं, यह उनका आदर्श है। उनकी सभा में पंडित, विद्वान, अर्ष, मंत्रिपरिषद तथा अन्य जनप्रतिनिधि होते हैं जिनकी बात राजा को माननी पड़ती है। यदि रावण का कोई राजगुरु होता तो वह वशिष्ठ के समान राजा की इच्छा के विरुद्ध उसके राजकुमार मुझे नहीं दे सकता था। प्रजा की इच्छा, प्रजा के प्रतिनिधियों की इच्छा आर्य राजाओं के लिए सर्वोपरि है, और यदि उनका व्यवहार ऐसा नहीं है तो वे अपने आदर्श से पतित हो चुके हैं। उन्हें तुरंत पदच्युत कर दिया जाना चाहिए। आर्य शासन पद्धति से मैं परिचित हूं तात, राम बोले, पर राक्षसी तंत्र का ज्ञान मुझे नहीं है। यह वशिष्ठ की शुद्धतावादी प्रणाली का परिणाम है पुत्र, विश्वामित्र शून्य में घूरते हुए बोले। रावण और आर्यावर्त से बाहर राजाओं को मार डाला है या उनसे मित्रता कर ली है। कोई भी महाशक्ति रावण का विरोध करने नहीं आएगी। दुर्बल जन समुदाय रावण के अत्याचारों से पीड़ित होता रहेगा। वह एक बार आर्यावर्त में घुस आया तो समानता के सिद्धांत पर खड़ा शासन तंत्र समाप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर धन तथा पशु शक्ति पर आश्रित शासन तंत्र का आरंभ होगा। मदिरा की अबाध धारा बहेगी। विश्वामित्र की आकृति किसी भी संभावित भय से एकदम पीली पड़ गई। वे जैसे उस भयंकर शासन तंत्र में जी रहे थे। राम एकदम उद्विग्न हो उठे। उनके सहज सलोने चेहरे पर क्षोभ की परत जम गई। तात, इसका विरोध क्यों नहीं किया जाता? कौन करे पुत्र? आर्य सम्राट। आर्य सम्राट के गुरु के पद पर वशिष्ठ बैठा है, जो मानव मात्र को समान नहीं मानता है। वह अन्य जातियों से आर्यों को श्रेष्ठ मानता है, आर्यों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानता है और पुरुषों को नारियों से श्रेष्ठ समझता है। वह शबरों, किरातों, निषादों, वानरों, रक्षों, कोल भीलों जैसी अनेक आर्यतर जातियों तथा दूर दूर तक फैले हुए वशिष्ठ दर्शन को न मानने वाले आर्य राशि मुनियों पर होने वाले अत्याचारों से पीड़ित नहीं होता। फिर आर्य सम्राटों में मतभेद है। जनक और दशरथ साथ मिलकर कभी नहीं लड़ेंगे। राम कुछ उत्तेजित हो उठे। आर्य लोग मृत्यु के अपने घर में घुसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुदेव। विश्वामित्र मुग्ध नेत्रों से राम को ऐसे तन्मय होकर देख रहे थे जैसे समाधिस्थ हो गए हों। फिर उस तन्मयता से बाहर आ गदगद होकर बोले, तुम सच्चे क्षत्रिय हो राम, तुम धन्य हो पुत्र। प्रण करो कि अपने विरुद्ध हुए अत्याचारों का तो प्रतिकार करोगे ही, अन्य जनों की पीड़ा भी मिटाओगे। मैं प्रण करता हूं गुरुदेव। मैं आश्वस्त हुआ पुत्र, अब तुम्हें अयोध्या लौटने को नहीं कहूंगा। मैं भी प्रतिज्ञा करूं गुरुवर, लक्ष्मण चहक कर बोले। मेरी मां कहती हैं ऐसी प्रतिज्ञा रोज किया करो। तुम्हारी मां ठीक कहती हैं लक्ष्मण, विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न थे। अगर आपको ये ऑडियो बुक सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ऐड करें।